ये इंपॉर्टेंट रहेगा दिस वाप फाइंड्स टू मोर अ थ्री अ फोर्थ कमिंग इन एंड इट इज कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ दिस वाप भी डेथ मेकर ये जो पहला प्राक खोज रहे थे तो उस पे ज्यादा कुछ मिला नहीं है पिक मिला लेकिन वो ट्रेड आउट हुए हैं और अब अकेले बैक साइड के अंदर ये खिलाड़ी आवी के उनके साथ डील करेंगे डिस्टर्ब यहां पे कोशिश तो कर रहे हैं सिटी के एंगल से आने की बट उस एंगल को स्मोक ऑफ कर दिया गया मैक्स की पोजीशन पे यहां पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसको चेक नहीं किया बट उसके बावजूद डिस्टर्ब मिड की तरफ मार्केट में 2 प्लस है बट मार्केट को कंट्रोल गिव अप कर दिया बट डेथ मेकर विद द बुलडॉग फाइंड्स आरवी के शॉट्स इन डाउन इंस्टेंटली देव ये हिट बहुत जरूरी रहेगा द अंडर हैंड फ्लैश दैट कुड हैव बीन बेटर द टाइमिंग ऑफ हिज शॉट्स 25 सेकंड क्लॉक सबसे बड़ी दुश्मन है इस समय रेकनिंग के लिए लेकिन अभी भी वो स्प्लिट करना चाह रहे हैं हेवन वाले प्लेयर को डील करा जाएगा एडमिन डिसरप्ट का दिस टाइम अराउंड एंड बेकर फिर से एक अग्रेसिव प्ले पैरानोया वो राइट जो क्लोज बॉल हक करके प्लेयर्स थे उनको मिस करता हुआ काफी अच्छा खासा डैमेज यहाँ पर डील करने में कामयाब हो चुके हैं डिसरप्ट स्टिल ओनली फाइंड्स वन ट्रेड अच्छा है रखने के लिए और अब शॉट से स्प्लिट ऑन है आर यू वेरी लो ऑन एचपी फॉर द इंपॉर्टेंट पार्ट ही सर्वाइव नॉट फॉर लॉन्ग दो क्योंकि उस शॉक डार्ट ने उनका एलिमिनेशन निकाल दिया ड्रोन से यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन लेना तो चाह रहे हैं बट हेलेफ की पोजीशन कहीं ना कहीं भाप ली गई कैरामल के द्वारा ये क्रॉस फायर काफी बेहतरीन बट आइसोलेट कर दिया चलिए ऑर्डन की तरह यहाँ पे जो है राइट खाली थी कैरामल को यहाँ पे पिक ऑफ करने में कामयाब हो गए डॉक्सर फ्रॉम द अंडर हेवन एंगल ऑल ही नीड्स टू डू इज जस्ट ट्राई सम टाइम राइट पर टैप किया डॉक्सर वहां है एंड लेफ्ट शॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ मिस हुआ जिससे दिक्कत आ सकती है क्लाउड बस का यूज करने के बावजूद वो अंदर आर्मी को पिक ऑफ करने में कामयाब हो गए डेथ मेकर और उसके बाद फ्लैश भी डॉच कर दिया नॉट श्योर अंडर हैंड फ्लैश वुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर बट टेक्नो तो बाकी इमेज पे अपने संग साथी के साथ डिसरप्ट के साथ वो तो भागे जा रहे हैं जो भी स्प्लिट आ रहा था वो रह गया धरा का धरा और अब कैरामेल द लास्ट वन सर्वाइविंग अरे भाई जरूर किया मैक्स को लेकिन वो भी शॉर्ट लिव्ड एंड द रिकॉन वाज जस्ट परफेक्ट मिस हुआ है पता चल गया है कहीं ना कहीं डॉक्सर की पोजीशन के बारे में मिड टॉप के ऊपर वो मौजूद है डिस्ट्रक्ट फाइंड्स मैच शट्स इन डाउन मौके पे चौका जरूर मारा आरवी के ने लेकिन अब इससे और कितनी वैल्यू निकाली जा सकती है अनफॉर्चूनेटली नॉट मच क्योंकि टेक्नो बड़े आसानी से उनको सीटी पुश करते हुए पकड़ेंगे एक और फ्रैग तो जो नंबर बराबर हुए थे अब उससे ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं और एलएफ उन्होंने तो दीवार के थ्रू ये डॉक्सर और एलबीवाई को एलिमिनेट कर दिया रेकनिंग के ऊपर है ये राउंड कन्वर्ट करना एडवांटेज मिला है लेकिन ये लीजिए फिर से एक इंडिविजुअल पैटर्न और उसमें आराम से टेक्नो ने फ्रैग निकाला फिर आर यू स्मोक पुश करते हुए वो भी एक और फ्रैग निकालेंगे एंड एलबीवाई आल्सो फॉल्स तो बाकी पूरी टीम फ्रैगलेस रह गई और अब तो ट्रिपल पीक है बचते बचाते भी डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इस पोजीशन के अंदर तो दे जस्ट वेंट इन फॉर सोलो गोल कम टू रिकवर्स इसी वजह से वो राउंड आया था और इस बार भी आरवीके ने वो ओपनिंग दिलवाई है बट देयर नो फॉलो अप भी वो फ्रैग निकालेंगे बट वही बात है ये राउंड्स आप रेप्लिकेट कैसे करोगे दैट इज माय मेन क्वेश्चन 10 फाइंड्स टेक्नो शट्स हिम डाउन इन द मिड मतलब इकलौते आखिरी खिलाड़ी डिस्ट्रक्ट यहां पे बचे हैं और की पिक्स ऑफ कैरेमल पाई के पास में एक आईडिया लग चुका है शायद यहां पे कि मेन के अंदर रहेंगे प्लेयर एंड फाइंड्स हिम शट्स हिम डाउन डिस्ट्रक्ट 1v3 को 1v1 में कन्वर्ट करती है बट टाइम इज आल्सो टिकिंग एग्जैक्टली सबसे बड़ा कंसर्न वो क्लॉक है इनके लिए और ये जो प्लांट है ये भी कुछ ऐसा है बहुत अच्छा फूट ऑब्जर्व वेरी लो एलिमिनेटेड इज द टाइम सेकंड सर्कल नहीं आया था अभी तक बहुत क्लोज होने वाला ये यहाँ इम्पोर्टेंट तो रहेगा रैकिंग के लिए कि कुछ भी करके वो पिस्टल निकाले अदरवाइज यहाँ पे थ्रूपर्स जीत जाएंगे इसमें आपको चांसेस तो हैं क्योंकि देखिए ना आर्यन ने मिड में ही ऑलरेडी एक प्लेयर को पिक ऑफ करके नंबर एडवांटेज बना लिया फाइंस टू कैरमल को भी यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया तो आर्यन इकलौते इतने बड़े प्लेयर यहाँ पे बना रहे हैं कि दो प्लस पिक ऑफ हो गए हेलेफ इज गोइंग टू आंसर बाउंस बट मैक्स द फ्रैगमेंट एंड द क्लासिक इन द हैंड फाइंस टू एलबीवाई स्पॉटेड ऑल्दो फ्रैग नहीं मिला एलबीवाई पे ये सोच रहे हैं थोड़ी सी मदद जरूर करेंगे एलबीवाई टैप द स्पाई गेट्स आउट लेकिन ये पैरानोया बहुत खूबसूरत एंड आर यू विद दैट 3k उसे बी में थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स यहां पे क्रिएट करना चाहेंगे वो रिकॉन आया जरूर था उसे पता चला कि बी मेन के बाहर प्लेयर है बट हेले फाइन साहब के चले टू रिबल्स वैसे भी इस राउंड के अंदर उतनी उम्मीद है नहीं तो रेकनिंग द बेस्ट दे कैन डू इज डैमेज ओवर हियर और वो भी ज्यादा सॉरी रेकनिंग द बेस्ट दे कैन डू इज डैमेज और वो भी ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं सिटी स्मोक पोश एक और आसान सा फ्रैग और अब मात्र बचे एलबीवाई पोजीशन नोन विल बी हंटेड डाउन एज वेल आई थिंक इट वर्क्स आउट इन देयर फेवर चलेगा ऐसे प्लेस कभी कभी बना लेने चाहिए आरवी के
दिस टाइम अराउंड फाइंड्स वन, बट वही बात है LBY समय से निकल के ट्रेड कर नहीं पाए। तो LFO इंश्योरेंस पॉलिसी रहने वाले, इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़िए बहुत अर्ली यूज करना चाह रहे थे, पर मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिसरप्ट और टेक्नो इन्होंने मिलके साइट बड़े अच्छे से संभाल के रखी, गेम समाप्त किया और ट्रू रिपर्स को ये 13-4 की एक विक्ट्री दिलवाई है। किचन का पूरा कंट्रोल यहाँ पे जो है वो कैरमल के पास में रहेगा, बट अर्ली एडवांटेज आ रही बनाते हुए डॉक्टर को यहाँ पे पिकअप कर लिया। चलिए RVK फाइंड्स वन मोर, काफी बेहतरीन शुरुआत मिल गई है टेक्निक को। और अब LBY स्पॉट जरूर किया, डैमेज थोड़ा बहुत दिया गया LBY के ऊपर, RU ने यहाँ पर RVK को टेक डाउन कर दिया और डिसरप्ट ने भी ठीक ठाक डैमेज कर ही दिया है। 1v1 RU के लिए LBY 34 HP, समय इनके अगेंस्ट, सब कुछ टाइमिंग के ऊपर आ जाता है और बेहतर टाइमिंग मिली RU को। तो कैरामेल की बहुत अग्रेसिव पोजिशन, लेकिन अपने शॉट्स नहीं लैंड करवा पाए मेकर का, एंड स्टिल बैक साइड पे सर्वाइव कर रहे थे, नॉट फॉर लॉन्ग दो, क्योंकि LF नंबर्स को दोबारा से बराबर करेंगे। टेक्नो एक बेहतर, और मुझे लग रहा है टेक्नो तो LBY को भी कहीं एलिमिनेट ना करते क्योंकि बहुत ज्यादा लो ड्रॉप कर दिया था। कैन नहीं होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता चल गया टेक्नो कहां पे टैप करेंगे, हाफ डिफ्यूज करना चाहेंगे, बट टेक्नो स्विंग्स आउट एंड शट्स डाउन डॉक्सर फर्स्ट टू फोर। और RVK आज के दिन पे काफी अच्छे शॉट्स मारते हुए देखे गए हैं, लेकिन चलिए तो रिकॉन से स्कैन हो गए दो दो बार, और अब तो जान बचा के भागना चाहिए था, बट डेथ मेकर ने कहा ऐसे कैसे जनाब, ठीक है विंगमैन को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन अब आपको भी डिस्टर्ब करेंगे। यह डेथ मेकर गोज इन, दिक्कत बहुत ज्यादा फाइनली, बट वहां पर कुछ गया ही नहीं, सब लोग राइट हैंड साइड से आ गए और वो स्पाइक इनिशिएट करवा दिया गया, और इन सब के बीच में RU एक फ्रैग निकालेंगे, फिर बनाते हुए थ्रैश का भी इन्वेस्टमेंट किया गया है और इससे मे बी एक डिटेंशन मिल जाए, बट दैट्स अबाउट इट, एंड डेथ मेकर समहाउ फाइंड्स मैक्स। जी हाँ, वो रेजरेक्शन भी आपके हाथ से गया, डेथ मेकर फाइंड्स वन मोर, RVK भी यहाँ पे पिक ऑफ हो जाएंगे, हंटर्स फ्यूरी का इन्वेस्टमेंट आते हुए डॉक्टर की साइड से, ही फाइंड्स वन, डेथ मेकर का पिक तो निकाले, कैरामेल आल्सो आंसर्स बैक, बट समय सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे डॉक्टर का रहने वाला है, चांसेस कम है राउंड निकालने के, बिकॉज हेले फाइंग करने का प्रयास करते हुए ट्रू रिपर्स क्यों ना करें, इट्स वर्किंग फॉर देम, साइड काफी ज्यादा हेविली स्टैक्ड अप है, बट परवाह नहीं, डेथ मेकर फाइंड्स ओपनिंग, कैरामेल को यहाँ पे पिक ऑफ करेंगे, RU फाइंड्स मैन, बेहतरीन तरीके से और अब तो सिर्फ दो खिलाड़ी बच गए हैं, और गेस व्हाट, ये तो पूरा फेक है, ये तो इस साइड पे हिट भी नहीं कर रहे, ये सब भाग के प्लांट भी करा जाएगा, बहुत ज्यादा होने वाला है LBY को, हाथ में सिर्फ क्लासिक फ्रैग मिला है मिड से, मिड वाले खिलाड़ी से, ये लॉकडाउन देखिए ऑफ नो यूज, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ट्रू रिपर्स के हर एक खिलाड़ी ने फ्रैग्स निकाल के रेकनिंग के हाथों से एक और राउंड छीन लिया है, पर टाइम नहीं है, डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, फाइंड्स द फोर्थ वन एज वेल, RU शट्स हिम डाउन फ्रॉम साइड ऑफ डॉक्सर, बट वो रोक नहीं पाएंगे यहाँ पे ट्रू रिपर्स के प्लस को, हेवन के एंगल को यहाँ पे डेथ मेकर में पकड़ा जरूर है, बट हेल्थ यहाँ पे मैक्स इज गोइंग टू फाइंड द ट्रेड एंड आंसर बैक, हेले फाइंड्स टू मोर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि चार बनाम दो RVK की बहुत ज्यादा लो HP, LBY ने पीछे से लेकिन दो फ्रैग निकाले जरूर है, दैट्स ऑल ही गेट्स, टू इज ऑल ही रोड, तो पुल ऑफ करने में कामयाब हो जाए 50, ऐसे तो नहीं शुरू होता मेरी किताबों में, पहला फ्रैग चाहिए होता है कम बाय वाली टीम को, और फिर से लॉन्ग रेंज ड्यूल, क्या ट्रांसफर मारा है यहाँ पर टेक्नो ने, द सेकंड वन वाज क्रेजी, कैरामेल ने शॉट भी अच्छा मारा यहाँ पर, और RU सिर्फ 40 HP, लेकिन आ गया LF का सपोर्ट, कैरामेल फाइंड्स वन, बट डेथ मेकर इज आल्सो देयर, और ये खिलाड़ी खेल भी बिल्कुल प्लान डिनायल रहे हैं, हंटर सूरी का इन्वेस्टमेंट किया गया है, एंड दिस इज जस्ट टू गेट सम फ्रैग्स फॉर LF, और तो मिला नहीं है कुछ, RVK फाइंड्स RU, बट डेथ मेकर ने अपने ब्लेडस्टॉर्म के साथ एक और पिक निकाला है, मैक्स फ्रैग के साथ रिजरक्शन, दिस वुड बी गुड, बट डिसरप्ट मैक्स को भी एलिमिनेट किया, कैरामेल को भी खा गए, दो बनाम दो, LF ने एक और पिक, और डॉक्टर तो बेचारे ड्रोन चलाते रह जाएंगे, और जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा एक बनाम दो, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर रखने के पास, ये परेशानी में डाल सकते हैं अभी भी टू रिपर्स को, कैसे डालेंगे जब तक डिसरप्ट है, देख बट दैट ऑपरेटर इट्स हॉफ तो पैदा किया है, एंड एमएक्स वापस से पी करने की गलती, एंड डेथ मेकर विल शट हिम डाउन, होल क्यों है टू रिपर्स ने, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डिसरप्ट फाइंड्स टू मोर, अ थ्री अ फोर्थ कमिंग एंड इट इज कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ डिसरप्ट, establish कर ली है, and this lockdown will force the players to leave the side, but wait a minute, disrupt finds two, RU finds one, थोड़ी लेकिन बचे सिर्फ दो प्लेयर्स, तो ज्यादा कुछ है नहीं अब डील करने के लिए आपके पास,
डेथमेकर ने डॉग्जर को एलिमिनेट कर दिया ट्रांजिशन करते हुए, पर अब कैरमेल अकेले बचे हैं। फाइंड वन, रिमोटू को कैरमेल, द डेजी, एवरीथिंग विल जस्ट बीट कैरमेल आउट ऑफ द राउंड। और ट्रू रिपर्स इस फाइनल राउंड के साथ क्वालिफिकेशन को अपनी ही नहीं लेकिन ओजी की भी सिक्योर करके रास्ता बनाएंगे यहां पर लान तक का।